और मणिपुर के बाद सीधा रुख कर देते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने अल्मोड़ा के डोल कल्याणी का हिमालय देवस्थानम के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने 1,100 कन्याओं का पूजन किया, श्री यंत्र के विधिवत पूजा अर्चना की। और इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कल्याणी का हिमालयन देवस्थानम में धर्म के प्रचार के साथ साथ वैदिक संस्कृति की शिक्षा को बढ़ावा देने का अद्भुत प्रयास किया गया है। उन्होंने आगे कहा, कुमाऊं मंडल को मानस खंड के तहत मंदिर माला मिशन के रूप में विकसित करने की कार्य योजना तैयार की गई है, उसमें कार्य गतिमान पर है। ये डोल आश्रम पूज्य महाराज जी ने इसको स्थापित किया, उनकी सोच के अनुरूप यहाँ पर धर्म, अध्यात्म और संस्कृति और शिक्षा के एक बड़े केंद्र के रूप में ये आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। हम पूज्य महाराज जी का बहुत उनका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने संपूर्ण जीवन जहाँ लोगों की सेवा में लगाया, परमार्थ के कार्यों में लगाया, इस क्षेत्र में इस आश्रम की स्थापना से जो हमारा मानस खंड मंदिर माला मिशन है, उस मिशन का ये भी बहुत बड़ा एक, मैं कहूँ एक क्षेत्र के रूप में, एक प्रकार से उसके एक अंग के रूप में ये डेवलप होगा। इस क्षेत्र को आगे डेवलप करने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार से चार धाम यात्रा हमारी चलती है, उसी प्रकार से मानसखंड यात्रा भी चलेगी और कैलाश मानसरोवर की भी यात्रा चलेगी। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से बजरंग दल पर बैन पर भी बयान दिया और कहा कि कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस बजरंग बली का बहिष्कार और विरोध की बात करती थी, वो निश्चित रूप से उनकी तुष्टीकरण की नीति है। कांग्रेस से दिखावे के लिए प्रधानमंत्री मोदी के कारण से उनको हनुमान चालीसा करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। वहीं चारधाम यात्रा पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि श्रद्धालु चारधाम यात्रा से पहले मौसम की जानकारी जरूर ले लें। उन्होंने जिस प्रकार से बजरंगबली का बहिष्कार और विरोध की बात करी थी, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी जो तुष्टीकरण की नीति है, एक वर्ग विशेष का वोट लेने की जो हमेशा से कांग्रेस ने किया है देश की आज़ादी के बाद से, वो काम उन्होंने शुरू किया था। और मोदी जी का नेतृत्व ऐसा है कि उनके नेतृत्व में कोई मंदिर जाने के लिए बाध्य हो रहा है जो कभी मंदिर नहीं जाते थे, कोई गंगा जी में जाने के लिए बाध्य हो रहा है, कोई धार्मिक स्थलों की बात कर रहा है, और वहीं कांग्रेस भी आज जो है केवल और केवल दिखावे के लिए और मोदी जी के कारण से उनको भी हनुमान चालीसा करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। उन्होंने जिस प्रकार से बजरंगबली का बहिष्कार और विरोध की बात करी थी, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी जो तुष्टीकरण की नीति है, एक वर्ग विशेष का वोट लेने की जो हमेशा से कांग्रेस ने किया है देश नहीं, अभी यात्रा फिर से प्रारंभ हो गई है, लेकिन फिर भी मैं सभी तीर्थयात्रियों से, सब जो भी दर्शालु दर्शन करने आ रहे हैं, उन सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि आने से पहले मौसम की जानकारी जरूर ले लें और मौसम ठीक है तो ही अपनी यात्रा करें, अन्यथा हम चाहते हैं कि किसी को कोई यात्रा में परेशानी न हो, इसलिए मौसम का प्रिडिक्शन प्राप्त करने के बाद ही यात्रा को जारी करें।